टुका जैसे मोसुइया पेट कुइया। रुक्मिणी बोली महाराज, अरे काहे उठी बैठो आउ नहीं ले लो। अरे नरेंद्र भैया गुरदयाल प्रवास से ये 20 रुपए दान हो रहे हैं। लड्डू नहीं लेते चाहे पेड़ा नहीं लेते लड्डू नहीं रुचि रुचि भोग लगे के पेट भर खाइयो बका खाइयो और खाइयो नहीं खाओ तो खाई ले अले ले यो दिखाई ले। अरे रखा हुआ है तो खाइबे घूमते भगवान का नहीं। बोले सुदामा भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा। बड़े यार खराब हो। अरे कुछ भेजा हो तो मुझे दे दो। भगवान सब जान रहे हैं। 7 दिन तक रुके बोले कोई बात नहीं एक बात पूछूं का तुम्हें भाभी की याद नहीं आते आए रही घर जाओगे या नहीं जाओगे। जाओगे जाओ हाँ अगर पठाइयो तो चले जाए तो भाभी से हमारी नमस्ते कह देना। ठीक है चलो तुम्हें कुछ दूर तक भेज दो। आज सुदामा जी जो ही चले आगे आगे सुदामा पीछे भगवान कन्हैया पीछे रुक्मिणी सत्यभामा अन्य नानियां जा रही है। भगवान कन्हैया ने धीरे से झपट करके बगल से पोटली निकाली बोली दादा एक बार चोरी करे तो या दशा भाई फिर तुम चोरी कर रहे हो। सुदामा जी बोले क्या करें कन्हैया शर्म के कारण नहीं दे पाए। भगवान ने पोटली खोली और वो चावल चबने लगी। मैंने कहा था माताएं बहनें चावल लेकर के आना ले आयो नहीं लाए हो। हाँ हाँ हाँ